हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो ये जो अपडेट है आपका, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से है, जहाँ डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पर यहाँ पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइब्रेरियन, यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर इंटरव्यू बेस पर आपका हो सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। कहाँ की वैकेंसी है? ये न्यू दिल्ली की वैकेंसी है। देखिए, असिस्टेंट लाइब्रेरियन आपका पोस्ट है। उसके बाद जो डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू का जो डेट है यहाँ पर, वो 25 अगस्त को होगा आपका इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू कंडक्ट की जाएगी 25 अगस्त को। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉर एनी रिक्रूटमेंट रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको कोई भी इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अगर आपको क्वेरी है, तो आप इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जो है यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा आपका, ये आप एक बार देख लीजिएगा अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन सेक्शन को भी। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या कुछ है। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, जिसमें आपको मंथली रेम्यूनरेशन दिया जाएगा 35,400 रुपये। जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट फॉर्म को भरने के लिए, वो 35 साल है, यानी कि मैक्सिमम आप 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, आपने बीकॉम किया हो, बीएससी किया हो, ह्यूमैनिटी में किया हो, किसी में भी आपके पास डिग्री होना चाहिए, प्लस लाइब्रेरी साइंस में आपकी डिप्लोमा जो है वो होनी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही यहाँ पर 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिलेवेंट फील्ड में मांगा जा रहा है, कि आपने कहीं भी जो है लाइब्रेरियन के तौर पर काम किया हो। यहाँ हम देख लेते हैं थोड़ा सा टर्म एंड कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले तो ये आपका अपॉइंटमेंट जो है वो प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाला है। इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर के लिए रहेगा, विच मे बी एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड किया जा सकता है। सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, आपके परफॉर्मेंस को देखकर ये बढ़ाया जा सकता है 1 साल से अधिक, लेकिन अभी जो है ये 1 साल के लिए ही आपका रहेगा। फिर ईयरली ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ही गवर्नमेंट भी बहुत बहुत दिन तक जो है वर्कर्स को काम कराती है, तो ईयरली ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट में लेकिन हम किसी तरह से क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये परमानेंट है या फिर 1 ईयर से अधिक होगा, इसलिए नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है यहाँ पर कि ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर के लिए है, बट आपका परफॉर्मेंस देखकर वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको रेम्यूनरेशन दिया जाएगा टोटल, वो 35,400 दिया जाएगा। फिर किसी तरह का आपको टूर पे या आउट स्टेशन भेजा गया, तो टीए डीए जो मिलता है एज पर रूल आपको दिया जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए, कुछ खास नहीं है ये सब पॉइंट में, ये सभी नोटिफिकेशंस में सेम रहते हैं। जी नंबर यहाँ पे जो पॉइंट जी है ये देखने का है। एलिजिबल एंड विलिंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब परफॉर्मा अटैच्ड हियर विथ, यहाँ पर आप देख सकते हैं अटैच किया हुआ है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अलोंग विथ ओरिजिनल एंड द कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑन 25 अगस्त 11 AM। यानी कि पॉइंट जी में यहाँ पर कहा जा रहा है कि विथ एप्लीकेशन फॉर्म का, इसको अच्छे से आप भर ले, और उसके साथ ही आपकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और फोटो कॉपीज है क्वालिफिकेशन की, साथ ही एक्सपीरियंस की, वो आपको 25 अगस्त को यहाँ पर 11 बजे आपके इंटरव्यू जो कंडक्ट की जाएगी उस जगह पर ले जानी है। ठीक है, ये आपका फॉर्म है, आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में फर्स्ट में आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटोग्राफ जाएगा, फुल नेम आपको यहाँ पर फिल करनी है, जो जेंडर है वो जेंडर फिल करना है, यहाँ पर जेंडर फिल करनी है इस कॉलम में, डोप जाएगा यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कैटेगरी, नेशनैलिटी जाएगी यहाँ पर। आप असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर पोस्ट अप्लाइड फॉर असिस्टेंट लाइब्रेरियन जाएगा। आपकी परमानेंट एड्रेस यहाँ पर जाएगी, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन यानी कि मोबाइल नंबर और मेल आईडी, ध्यान रखिएगा वही मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिएगा
जो कि आपका एक्टिव हो, ताकि किसी भी तरह से अगर इंस्टीट्यूट से मेल किया जाए तो आप रिसीव कर पाए। ठीक है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार, वोटर, जो भी। यूजुअली लोग आधार कार्ड देते हैं, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आधार रखिएगा। यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपका जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस। ठीक है, तो फॉर्म बहुत ही नॉर्मल है, यहाँ पर नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको सबमिट करके साथ ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी फोटोकॉपी भी साथ लेते जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इस नोटिफिकेशन में डिस्कस करने को। पॉइंट्स थे यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस किया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।